सोमवार 27 मई से महीने का आखिरी हफ्ता शुरू हो चुका है। ग्रहों की चाल और स्थिति बदलने से राशियों पर कुछ अच्छा या बुरा असर जरूर पड़ता है। लोकल 18 ने देवघर के ज्योतिषाचार्य पंडित नंद किशोर मुदगल से खास बातचीत की। आइए जानते हैं इस सप्ताह 12 राशियों पर क्या असर पड़ने वाला है। कैसा रहेगा मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह? मेष राशि वालों के लिए नकारात्मक रहने वाला है यह सप्ताह। जो है मेष राशि वालों के लिए क्रोध पर काबू करने का सप्ताह है। यह सप्ताह क्रोध करने का नहीं है, नहीं तो सोचा हुआ काम बिगड़ेगा। अच्छा या बुरा वृषभ राशि के जातकों पर पड़ेगा क्या असर? वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह सकारात्मक रहने वाला है। सब सोचा हुआ काम होगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलने का योग बन रहा है। जाने मिथुन राशि वालों का हाल। मिथुन राशि वालों का यह सप्ताह सकारात्मक रहेगा। नौकरी पैसा वालों को मनचाहा जगह मिल सकता है। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपका व्यापार जो है वह बहुत अच्छा रहने वाला है। कर्क राशि वालों की बढ़ सकती है मुश्किलें। कर्क राशि वालों का यह सप्ताह परेशानी भरा रहेगा। पूरे सप्ताह जो है आपका खर्च की अधिकता होगी। आपका खर्च ज्यादा होगा, सोच समझ करके खर्च करें, नहीं तो कर्ज भी लेना पड़ सकता है। सिंह राशि वाले जातकों का कैसा रहेगा ये सप्ताह? सिंह राशि वालों का यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। न ज्यादा लाभ न हानि, लेकिन शारीरिक कष्ट हो सकता है। शारीरिक कष्ट से आप परेशान हो सकते हैं। आप कोई भी कार्य जल्दबाजी में न करें, नहीं तो आपको घाटा होगा। कन्या राशि वालों के लिए अच्छा रह सकता है ये हफ्ता। कन्या राशि वालों के लिए यदि आप छात्र हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आपका बहुत अच्छा योग बन रहा है, सफलता का योग बन रहा है। और यह सप्ताह में आप यदि प्रेम करते हैं तो उसमें सफलता मिलने का चांस है। तुला राशि वाले जातकों के लिए सकारात्मक है ये सप्ताह। तुला राशि वालों का यह सप्ताह सकारात्मक रहने वाला है। आपकी अर्थव्यवस्था यह सप्ताह में मजबूत होगी। यदि कोई व्यापार भी करना चाहते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों पर आर्थिक संकट का खतरा। वृश्चिक राशि वालों का शारीरिक कष्ट, विशेष रूप से पेट में दर्द होने की संभावना है। गर्मी से आप बचे रहें। आपको खर्च की अधिकता हो सकती है। जाने धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह। धनु राशि वाले का यह सप्ताह बहुत शुभ रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। व्यापार में यदि धन निवेश करना चाह रहे हैं तो आप धन निवेश कर सकते हैं, और भूमि वाहन यदि खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। मकर राशि के जातक विवाद में पड़ने से बचें। मकर राशि वालों का यह सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला नहीं है, नकारात्मक रहेगा। किसी कार्य को करने के लिए एक बार सोच समझ करके करें, और किसी से अच्छे सलाह लेकर के करें तो आपको सफलता मिलेगी, नहीं तो घाटा का सौदा करना पड़ेगा। कुंभ राशि वालों का पूरा होगा अटका काम। कुंभ राशि वाले के लिए यह सप्ताह सकारात्मक रहने वाला है। अर्थव्यवस्था आपकी मजबूत होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, और आपका मानसिक तनाव जो पहले से है वह कुछ कम होने वाला है। यह सप्ताह आपका बहुत अच्छा रहेगा। मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह होगा सकारात्मक। मीन राशि वालों का नौकरी की तलाश यदि आप कर रहे हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। यह सप्ताह आपका व्यापार भी अच्छा रहने वाला है, और घर में मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। पूरा परिवार में शांत का माहौल रहेगा, खुशी का माहौल रहेगा। यानी मिला जुला करके मीन राशि वालों का यह सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। लोकल 18 के लिए देवघर से परमजीत कुमार की रिपोर्ट।